Welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach with you science, class 3 science, chapter 4, animal, their homes and their food habits. आज हम animals के बारे में पढ़ेंगे, उनका खाना और रहना, वो क्या क्या खाते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं. एनिमल्स तो टू टाइप्स के होते हैं, पेट एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स. पेट एनिमल्स के लिए भी हम घर बनाते हैं और डोमेस्टिक और सॉरी और जो जंगल में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने लिए घर ढूंढ लेते हैं. देन स्टार्ट. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. यू मस्ट हैव विजिटेड ए जू. देयर यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. हमने जू में देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि जिराफ, टाइगर, लायन, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स नीड फूड. जैसे हमें खाना चाहिए, खाने से हमें शक्ति मिलती है, हम ग्रो होते हैं. लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत पड़ती है. एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस. दे नीड फूड टू लिव. विदाउट फूड दे विल डाई. एनिमल्स क्या है, लिविंग थिंग्स है, वो भी हमारे तरह खाना खाते हैं. अगर खाना ना मिले तो वो मर जाएंगे. एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. एनिमल्स को अगर खाना ना दो तो मर जाएंगे, खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो. फूड हेल्प्स देम टू बिल्ड अप देयर बॉडीज. एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, ग्रो एंड बिल्ड अप देयर बॉडीज. एनिमल्स भी हमारे तरह खाना खाते हैं छोटे से बड़े होने के लिए और स्ट्रांग बनते हैं, शक्तिशाली बनती है, उन्हें एनर्जी मिलता है. यू हैव सीन ए स्मॉल पपी सकिंग इट्स मदर्स मिल्क. सून इट ग्रोज इन टू ए डॉग. यू हैव सीन ए स्मॉल पपी. आप लोगों ने छोटा सा जो कुत्ते का बेबी होता है पपी, उसे उसकी माँ का दूध सॉक करते हुए देखा होगा, चूसते हुए. देन वो क्या करता है, धीरे 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 वो माँ का दूध पीते पीते बड़ा हो जाता है. फूड हेल्प्स एनिमल्स टू ग्रो बिग एंड हेल्दी. खाना एनिमल्स को शक्तिशाली बनाता है, हेल्दी बनाता है और बड़ा भी बना देता है. एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी. एनर्जी शक्ति, जैसे हम खाना खाते हैं एनर्जी मिलता है तो खेलते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी तरह एनिमल्स को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है फॉर एनर्जी. एनिमल्स नीड एनर्जी टू मूव अबाउट. सम एनिमल्स वर्क फॉर अस. कुछ एनिमल्स हमारे लिए काम करते हैं. इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में लोग क्या करते थे, जब व्हीकल्स नहीं होता था इधर से उधर जाने के लिए, वो एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे. लाइक एनिमल्स लाइक कैमल, डंकीज, ऑक्सन, हॉर्सेस एक्सेट्रा यूज टू कैरी अवर लोड्स. ये सब एनिमल्स क्या करते थे, हमें भी लेते थे इधर से उधर और हमारे लगेज सामान को भी इधर से उधर ले जाते थे. सो दे नीड एनर्जी टू डू वर्क. इतना सारा काम करते थे तो उन्हें एनर्जी तो चाहिए. एनर्जी किससे मिलेगा, खाना से. फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क. सो एनिमल्स नीड फूड टू गेट दिस एनर्जी. इसलिए एनिमल्स को खाना देना चाहिए और खाना खाना चाहिए, जैसे कि उन्हें एनर्जी मिले. देखिए पिक्चर में, देखिए कैमल के पीठ पर कितना सारा लोड्स दिया गया है. डोंकी एंड बुलक्स, बुलक कार्ट कैसे खींच रहे हैं दो बुलक. एनिमल्स नीड फूड टू स्टे हेल्दी. अच्छा सुस्त रहने के लिए भी एनिमल्स को खाना चाहिए. नॉट ओनली सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं, और हेल्दी रहने के लिए, अच्छा सुस्त दिखने के लिए भी खाना चाहिए. एनिमल्स नीड फूड टू कीप देम इन गुड हेल्थ. ए पेट डॉग इज हेल्दियर देन ए स्ट्रे डॉग्स. क्या बोल रहे हैं, ए पेट डॉग इज हेल्दियर देन ए स्ट्रे डॉग. पेट डॉग जो हम घर में पालते हैं, पालतू कुत्ता, वो जो गली के कुत्ते से अच्छा हेल्दी होता है, क्योंकि हम उसको घर पे रख के अच्छे से अपने बच्चे की तरह पालते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं. पर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं
उनको कोई नहीं देखता, जो मिल जाए खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। उसी तरह कंपेयर हो रहा है कि एक स्ट्रे डॉग कैसा दिखता है और वो पेट डॉग कैसा दिखता है। दिस इज बिकॉज स्ट्रे डॉग डज नॉट गेट एनफ फूड, जितना खाना खाना चाहिए एक एनिमल को उसे उतना खाना नहीं मिलता। दज एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो टू स्टे हेल्दी टू डू वर्क, इसलिए एनिमल्स को खाना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्स के बहुत सारे ईटिंग हैबिट्स हैं, जैसे कि कुछ कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लैश अदर एनिमल्स को मार के खाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल को मार के भी खाते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स प्लांट्स मतलब वेजिटेबल खाते हैं और मछली चिकन ये सब खाते हैं। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड, हमने पढ़ा है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाने के लिए प्लांट्स और अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, वर्ल्ड में इतने सारे एनिमल्स हैं और सबका खाने का तरीका अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, एनिमल्स तो बहुत तरह के खाते हैं पर तीन तरह में बांटा गया है, डिवाइड इंटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स प्लांट खाते हैं, घास या फिर प्लांट्स ट्रीज के जो लीव्स होते हैं वे सारे। सम एनिमल्स ईट ग्रास और ग्रीन प्लांट्स, दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स ग्रास और जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं, जैसे काउ, डियर, बुफालो, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, ये सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। देखिए जेब्रा कितना लंबा है और वो क्या कर रहा है, एक लंबी सी ट्री के जो टहनी को तोड़कर खा रहा है, और सब गाय, काउ, बुफालो ये सब जो नीचे जो घास है वो खा रहे हैं। नंबर टू फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जो दूसरों को मारकर जो खाते हैं उन्हें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के उनका मांस खाते हैं उन्हें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर टाइगर, लायन, फॉक्स, बियर, ये सारे अदर एनिमल को मार के शिकार करके अपना पेट पूजा करते हैं। नंबर थ्री बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट मिल जाए तो प्लांट खा लेते हैं और मांस मिल जाए तो मांस खा लेते हैं। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को, लाइक बियर, क्रो एंड फिश बिलोंग्स टू द क्लास। बियर भालू शहद खाता है, अदर एनिमल्स को मार के भी खाता है। क्रो को तुम जो भी दो वो भी खा लेता है, कुछ भी फेंको तो वो आके खा लेता है। एंड फिश, बड़े बड़े फिश क्या करते हैं, छोटे छोटे फिश को खाते हैं, या फिर कुछ ना मिले तो अंडरग्राउंड में जो पानी के अंदर जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उन्हें खा लेते हैं। और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम भी बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग ह्यूमन बींग हैं, क्योंकि हम मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल क्या है, व्हाट इज डोमेस्टिक एनिमल। सम एनिमल्स आर यूजफुल टू अस, कुछ एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल हैं, जैसे कि हम तो शेर, टाइगर, लायन को घर में नहीं रख सकते। वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम्स और फार्म्स, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम्स
एंड आवर फार्म्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। कुछ कुछ एनिमल्स हार्मफुल नहीं होते, उन सब एनिमल्स को हम हमारे घर पे या फिर बड़े बड़े फार्म्स में रखते हैं, उन्हें डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। हमारे यूज के लिए उन सब एनिमल्स को हम पालते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स डू ए लॉट ऑफ वर्क फॉर अस। डोमेस्टिक एनिमल हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर डोमेस्टिक एनिमल्स। वी शुड गिव देम गुड एंड प्रॉपर फूड टू कीप देम हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ देम। हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, अच्छा खाना और अच्छी तरह देखभाल करना चाहिए, जैसे कि वो स्ट्रांग और एक्टिव रहे और हमारा काम अच्छे से कर पाए। लाइक काउस बुफालोज एंड गोट्स गिव्स अस मिल्क। काउ बुफालो गोट्स हमें दूध देते हैं एंड दीज आर कॉल्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। इन जो हमें मिल्क देते हैं उन्हें हम मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स बोलते हैं। उसी तरह एनिमल्स लाइक कैमल्स डंकीज ऑक्सेन हॉर्सेस एलिफेंट्स हेल्प अस टू कैरी आवर लोड्स। दे ऑल्सो वर्क इन फील्ड्स। कुछ कुछ जगहों में अभी भी एनिमल्स को क्या करते हैं, एनिमल्स के साथ इधर से उधर जाते हैं जहाँ पर गाड़ियों की सुविधा नहीं होती। लाइक कैमल ऑक्सेन, पिक्चर में देखिए एक हॉर्स का जो गाड़ी, घोड़ा गाड़ी को टांगस बोलते हैं, बुलक कार्ट, डंकी के ऊपर एक इंसान बैठा है एंड कैमल के ऊपर। कैमल तो सीप ऑफ द डेजर्ट है, डेजर्ट में और कौन से एनिमल्स नहीं चल सकते, इसलिए कैमल। ये सारे हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में और हमारा सामान इधर से उधर लाने में जाने में हेल्प करते हैं। देन सम बर्ड्स लाइक हैंस एंड डॉग्स गिव अस एग्स। एग्स गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी। और कुछ बर्ड्स जैसे डॉग्स एंड हैंस हमें अंडे देते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है एग हमें। इसलिए बोलते हैं संडे हो या मंडे, सर्दी हो या गर्मी, रोज खाओ अंडे। आज का ये जो हमने पढ़ा डोमेस्टिक एनिमल्स एंड एनिमल्स नीड फूड, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। दूसरे क्लास में हम डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।